प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान की राजधानी में जयपुर से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा किया गया। महाखेल की शुरुआत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन की गई थी। इस साल ये महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों के 6,400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि इतिहास गवाह है कि इस वीर भूमि के बच्चे अपने शौर्य से युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में बदल देते हैं। इसलिए अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की सुरक्षा का सवाल उठता है तो राजस्थान के युवा किसी से पीछे नहीं रहते हैं। एक सुखद संदेश दे रही मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है।